हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आम सिंह बॉय। अभी तो ऑलमोस्ट मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो डालने वाला हूँ यूट्यूब पे। तो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम चल रहा था लाइफ पे, जिसके वजह से मैं वीडियोस बना नहीं पा रहा था, और मुझे थोड़ा प्रॉब्लम भी है हाथ का, तो इसके वजह से मैं बाइक चलाना मेरे को थोड़ा सा मना करके रखा हुआ था। तो रिसेंटली आप लोग ने सुना ही होगा कि प्रो राइडर 1000 का जो इंसिडेंट हुआ, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, तो उसी को देखते हुए और भी मैंने बहुत सारे इंसिडेंट हाल ही में सुने हैं, तो वही चीज़ को लेके मैं एक मतलब आज वीडियो थोड़ा बनाने जा रहा हूँ, थोड़ा इंफॉर्मेटिव वीडियो ही बना रहा हूँ। राइड करते हैं तो अपने आप को किस तरीके से डिफेंसिव करके राइड कर सकते हैं, तो उसका ही कुछ मैं टिप्स देने वाला हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। तो पहला टिप, पॉइंट नंबर 1, जब भी हम बाइक राइड करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को ये ध्यान पर रखना चाहिए कि हमारा जो स्पीड लिमिट है वो हमारे कंट्रोल पे हो, ना कि वो बाइक के कंट्रोल पे हो। सपोज़ मान ले कोई भी, मैं तो अपना NS 200 राइड करता हूँ, ज़्यादातर 200cc का बाइक है मेरे पास, तो इसको मैं हार्डली आराम से 100 उठा सकता हूँ, ठीक है। बट मैं ऐसा करता नहीं उतना ज़्यादा, क्योंकि मेरे को पता है कि एक लिमिट के बाद जो भी है सब चीज़ धुंधला हो जाएगा और वो चीज़ है जो कंट्रोल मेरे बाहर हो जाएगा। तो इसलिए मैं अपना स्पीड जो भी है 100 से नीचे रखता हूँ, ताकि मैं बाइक को कंट्रोल कर सकूँ। पहला टिप तो ये होता है। दूसरा टिप, आप जब भी चला रहे हो बाइक, जब भी कहीं राइड पर जा रहे हो या नॉर्मली आप बाइक चला रहे हो, तो हमेशा हेलमेट पहन के चलाएं। अभी तो फ़िलहाल मैं बेयर हैंड्स में हूँ, लेकिन मैं बोलूँ तो हमेशा ग्लव्स वगैरह अपना मतलब जो भी सेफ्टी सामान होता है वो सारा कुछ ले ले आप लोग अपने पास। थर्ड पॉइंट ये है कि आप लोग जब भी राइड कर रहे हो, ठीक है, तो सपोज़ मान लीजिए मेरे आगे एक गाड़ी है, तो मैं उसका इतना डिस्टेंस पे रहूं कि जब भी मैं ओवरटेक मारने जाऊं, जैसे सपोज़ मैं ये लेन से जा रहा हूं और मेरे आगे एक गाड़ी है, फिलहाल तो इधर गाड़ी है नहीं, ये बाइक को ही मान लेते हैं हम, ठीक है, तो इसको अगर मेरे को ओवरटेक करना होगा तो मेरे को ऑब्वियसली इस लेन पे आना पड़ेगा। इस लेन में आने के लिए मेरे को क्या है, इस लेन से गाड़ी आएगा, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है गाड़ी आएगा, तो इस लेन से मेरे को अपने ही लेन से वो लेन पे कितना दूरी से गाड़ी आ रहा है और मैं ओवरटेक कर पाऊँगा कि नहीं, ये चीज़ मेरे को माइंड में रख के ही ओवरटेक करना है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी का पूरा बैक साइड में घुस जाना है और फटाक से ओवरटेक कर देना है, ये चीज़ बहुत गलती होते हैं हम लोग से, बहुत सारे राइडर्स ये करते हैं, आप लोग को दिखेगा ही बहुत लोग ऐसा करते हैं जो अचानक बैक साइड में रहेंगे अचानक से साइड से निकाल के चल देंगे, वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलती होता है। पॉइंट जो है, आप कभी भी ऐसा कार के साइड जा रहे हो, पीछे में हो, सॉरी कार के पीछे में हो, या कार पार्किंग पे है, उसका कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है आप लोग को, तो अचानक कोई कोई क्या करते हैं ड्राइवर्स, बिना देखे दरवाज़ा ओपन कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मेरा अपने एक जान पहचान का भैया जिनका हाथ टूट चुका है इस तरीके का सिचुएशन से, मैं पीछे बैठा हुआ था, अचानक से एक ड्राइवर ने क्या किया, शीशा मिरर देखा ही नहीं, डायरेक्ट दरवाज़ा खोल दिया, और हम लोग स्पीड उतना भी नहीं थे, फिर भी मतलब अचानक से सडन ब्रेक मारना पड़ा, जिसके वजह से मतलब बाइक डिसबैलेंस हो गया। तो ये सब चीज़ कभी नहीं करना चाहिए, और आप जब भी स्पीड में बाइक चला रहे हो तो मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, हमेशा मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, ताकि आगे वाला जब ब्रेक मारे तो आपको टाइम मिले ब्रेक मारने का, रुकने का, क्योंकि आप अगर अभी मैं इसके पीछे पीछे अचानक से पूरा छोटल दे के निकलूँ या इसके पीछे पीछे रहूँ, ये अचानक ब्रेक मारते हैं, तो इस केस पे क्या होगा, मैं सीधा इसको जाके ठोक दूँगा और इससे बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हो सकता है। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 5 पे। जब भी हम ऐसा राइड करते हैं या बाइक चला रहे हैं, तो जो भी हजार्ड्स है, हजार्ड्स बोले तो मतलब रास्ते पे आने वाला जो भी मतलब आपका प्रॉब्लम्स बोले या ऑब्स्टिकल्स बोले, जो भी आप समझो, ठीक है, इधर पे तो रास्ता सुनसान है,
इतना फर्क नहीं पड़ेगा, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज मान लो इधर पे फुटपाथ वगैरह होता, जैसे कि आप लोग का हाईवे पे दिख ही जाता है, या सिटी पे चलाओ या हाईवे पे चलाओ दिख ही जाएगा, आदमी हमेशा रास्ता क्रॉस करते रहते हैं। आदमी नहीं, आदमी छोड़ो, काउज वगैरह भी रहते ही है। अचानक से अगर बीच में आ जाए और आप हाई स्पीड पे हो, तो इससे भी आपका चांसेस है कि बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आ सकता है। आपको शायद मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो इसीलिए अपना स्पीड जो है उसको आप लोग थोड़ा मेंटेन करके चलाएं, क्योंकि अगर आपको कल भी राइड करना है तो आज ही के दिन आपको सेफ रहना पड़ेगा, तब जाके आपको कल राइड करने का मौका मिलेगा। और अभी मैं आता हूँ 6 नंबर पॉइंट पे। एक तो रास्ता का ऑब्स्टेकल आप समझ ही गए मैं क्या बोल रहा हूँ, और एक है कि ऐसे स्पीड पे आप चला रहे हो, इंडिया में तो पोर्ट होल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया के रोड्स पे अगर पोर्ट होल्स नहीं हुए तो इंडिया का रास्ता हो ही नहीं सकता है वो। तो समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर सडन आपको स्पीडिंग में हो और पोर्ट होल्स आगे में आ गया है, तो उससे आपका अगर कुछ भी ना हो लेकिन बाइक का बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। जैसे कि ये शॉकर का जो है ऑयल जो रहता है वो फट जाता है। वो फटने से क्या होगा, आपका जो शॉकर है वो अच्छा खासा सस्पेंशन का जो काम है वो बिल्कुल नहीं करेगा, वो खटखट खटखट मारते रहेगा, तो ब्रेक फेल होने का भी चांसेस रहता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए अपना जो है स्पीड मेंटेन करके रहे चलाए बाइक। और एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा जो नंबर 7, इमोशन कंट्रोल, वो हमारे राइड पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इमोशन कंट्रोल आप अगर नहीं करते हो तो ये आपके लिए एक जानलेवा हो सकता है। और इमोशन कंट्रोल कैसे करते हैं या कैसे करना चाहिए ये चीज़ मैं बताता हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए आप राइड कर रहे हो, मैं 200cc का बाइक एक चला रहा हूँ, कोई नॉर्मल सडन एक स्कूटी हो गया या मेरे से लो सीसी का बाइक ओवरटेक मार के चले गया, वो नहीं बोलने से भी 80-100 के स्पीड पे है, तो ये नहीं सोचना है कि वो मेरे को कैसे ओवरटेक मार दिया, ये सोच के कभी नहीं जाना है। इस तरीके से अपना इमोशन को कंट्रोल करना है, उसको जाने दो, वो 100 पे जाए 200 पे जाए वो अपना जानता है, लेकिन हम राइड कर रहे हैं, हमको अगले दिन भी राइड करना है, तो हमको इमोशन कंट्रोल करके ही बाइक चलाना है, वैसे ही डायरेक्टली नहीं चलाना है, इमोशन कंट्रोल करना ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट मैं जोड़ना चाहूँगा अपना वीडियो पे, वो है जब भी आप कहीं पे टर्निंग वगैरह लेते हो, जैसे सपोज मान लो आपको यू टर्न लेना है, आप लेफ्ट साइड पे हो, लेफ्ट साइड से आप यू टर्न ले रहे हो, सबसे पहले आपको इंडिकेटर देना है, धीरे धीरे आपको राइट की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। राइट की तरफ जैसे ही आप शिफ्ट हो गए और देखे कि डिवाइडर है, आप उधर से यू टर्न लेने वाले हो, तो आप राइट से सीधा राइट की तरफ ही रहो। कोई कोई राइडर्स क्या करते हैं, कार वाले को भी देखा है मैंने, बाइक वाले को भी देखा है, वो यू टर्न तो ले रहे हैं बट वो क्या कर रहे हैं, राइट से सीधा लेफ्ट तक जा रहे हैं। उससे क्या हो जाता है, दूसरे राइडर या जो भी गाड़ी वगैरह रहता है वो हिट करने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो जितना हो सके आप यू टर्न ले रहे हो तो अपने ही लेन पे रह के यू टर्न लिया करो, ये ज़्यादा बेटर रहता है। और अगर किसी को लगता है कि रश ड्राइविंग से आप अगर किसी को लगता है कि स्लो राइडिंग से आप बेकार राइडर हो या लेजी राइडर हो, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, कभी भी उस चीज़ पे भागिए मत कि ये मेरे को कैसे बोल दिया, बेकार राइडर हो, ये वो चीज़ को कभी भी माइंड पे लेना ही नहीं है। आप लेजी राइडर हो ठीक है, आप हो, क्योंकि आपको नेक्स्ट डे बाइक चलाना है, राइड करना है, आपको लाइफ का एंजॉय लेना है, तो इसलिए आप लेजी हो तो हो। तो गाइस वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगता है, आप लोगों को अच्छा लगा, तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, तो कमेंट करना वीडियो कैसा लगा।
क्योंकि अभी शाम होने को है, ऑलमोस्ट हो ही चुका है और हम लोग घर से काफ़ी दूर है, अभी रिटर्न जाने को है हम लोग को, तो इसलिए आगे से हम बाइक को घुमाएंगे और वीडियो को हम यही एंड करेंगे।